Hey, good morning guys. Welcome back to my channel again. So, आज मैं जा रहा हूँ मेरी फर्स्ट सोलो राइड पे. अभी जस्ट घर से निकल के मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट ही किया है. एक प्लेट इडली खा लिया था. मेरा फ्रेंड आया था मुझे ड्रॉप करने के लिए. अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ तोरणाके के आगे. अभी हम जा रहे हैं पुणे घूमने का प्लान है. कुछ 5 दिन का टूर रहेगा. 3-4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन का ही टूर रहेगा. सो मेरे फ्रेंड्स कुछ वहाँ पे ही है अभी. सो अभी हम जो रूट से जाने वाले हैं वो है यहाँ से औंढा, औंढा से जिंतूर, जिंतूर से जालना, जालना से औरंगाबाद, औरंगाबाद से नगर, नगर से पुणे. अभी टाइम हो रहा है 8:45 AM. अभी देखेंगे कब तक पहुँचते हैं. बाइक मैंने कल रात को ही वॉश करके चेन क्लीन और चेन लूप भी कर दिया था. रात में ही मैंने टैंक फुल भी किया था. बाइक की सर्विसिंग को अभी टाइम है. वैसे तो मैंने ऑयल लेवल अप भी कर लिया था. अभी मैंने लगेज जो लिया है, मैंने तीन सॉक्स, 2 नाइट ड्रेस, मतलब ट्रैक पैंट और टी शर्ट, और एक शूज़. ये मेरी लाइफ की फर्स्ट सोलो राइड है. मैंने पुणे, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर ऐसी 500 के आसपास की राइड मैंने पहले बहुत की है. मुंबई तो मैं 2 या 3 बार गया हूँ बाइक पर, और पुणे भी 2 या 3 बार हो गया है. पुणे भी 3-4 बार हो गया है पुणे तो, और हैदराबाद तो बहुत बार हुआ है. हैदराबाद भी 4 बार ही हुआ होगा. नागपुर सिर्फ 1 बार गया था. और हमेशा मैंने मतलब 500 किलोमीटर के आसपास की राइड की है, पर हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई एक होता था. मतलब एक पिलियन तो होता ही, मेरा कोई फ्रेंड रहता था साथ में मेरे. ये मेरी लाइफ की फर्स्ट सोलो राइड है जिसमें मैं सिर्फ अकेला ही हूँ. लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए. मैं सोचा तो नहीं था सोलो जाने का, पर अचानक से प्लान हो गया सोलो जाना चाहिए. मतलब यूट्यूब के लिए कुछ कंटेंट भी हो जाएगा, अपने लाइफ में एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि सोलो राइड में क्या क्या होता है, कैसे जाना पड़ता है, और आप लोगों को भी समझ में आ सकता है. मतलब मेरे थ्रू कि सोलो राइड कैसी होती है. और मैंने हाँ सेल्फी स्टिक भी ले ली है एक बैग में ही, और फ़ोन के लिए मैंने एक माइक भी लिया है. मैं ट्राई करूँगा गोप्रो के अलावा भी एंगल दिखाने के फ़ोन से व्लॉग करके. पर फ़ोन से व्लॉग करने में इशू सिर्फ यही एक आता है कि जो वॉइस है वो बहुत लो आती है बिना माइक के. उसको फिर माइक कनेक्ट करना पड़ता है, और माइक कनेक्ट करने के बाद फिर वो लंबा प्रोसीजर है वो बहुत. या फिर एक कोई ब्लूटूथ हेडफोन होना पड़ता है. मेरे पास ब्लूटूथ हेडफोन अभी नहीं है. मैं वो जो फ़ोन के साथ आता है
वही हेडफोन यूज़ करता हूँ। सीधा अभी मुझे यहाँ से जाना है जिंतूर, जिंतूर यहाँ से होगा 100 किलोमीटर के आसपास। अब मैं सोलो हूँ तो मुझे कंटिन्यू राइड करना पड़ेगा, मुझे रात होने से पहले पुणे पहुँचना है। मेरी एवरेज टाइमिंग, मतलब मैं हमेशा जब जाता हूँ राइड पे फ्रेंड वगैरह के साथ, तो मेरी एवरेज टाइमिंग 12 घंटे तो लगते ही है मुझे मिनिमम, क्योंकि मैं बहुत स्लो जाता हूँ और मेरे स्टॉप्स बड़े रहते हैं, थोड़ा आधा एक घंटा रुक जाता हूँ मैं कहाँ रुका, तो इसलिए मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। पर इस बार मैं कोशिश करूँगा जल्दी पहुँचने की। तो अभी हम आ गए हैं ओंडा रोड पे, यहाँ से ओंडा 34 किलोमीटर से ओंडा, यहाँ से रोड काफ़ी बढ़िया है। तो अभी पुणे पहुँचने के बाद मुझे रेन लाइनर भी लेना है, मेरे जैकेट में रेन लाइनर आता है, मतलब जैकेट के अंदर और एक एक जैकेट आती है जो जिप से पहन सकते हैं, अंदर जिप होती है जैकेट में, उससे लगा दिए तो अटैच हो जाएगी, तो वो रेन लाइनर से बारिश से बच सकते हैं। तो वो मेरी जैकेट में थी, पर जब गर्मी के दिन थे तब मैंने उसे निकाल के रख दिया था, तब पता नहीं कहाँ गुम हो गई, अभी तो मिल ही नहीं रही है। तो अभी वहाँ पहुँचने के बाद मैं एक रेन लाइनर भी ले लूँगा, राइनोक्स का एक नया रेन लाइनर लॉन्च हुआ है थोड़े दिन पहले ही, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, उसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे ही आ रहे हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं जिंतूर, ओंडा क्रॉस हो गया है और अभी बज रहे हैं 10:18 और अभी हम फ़िलहाल है जिंतूर में। अब यहाँ मैं जिंतूर में एक स्टॉप लूँगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट जालना नहीं तो औरंगाबाद पे ही रुकूँगा, ये मेरा फर्स्ट स्टॉप रहेगा। और मैं भी बैठ के वहाँ पर मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि वॉइस बराबर आ रही है या नहीं, ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, और मेरा फ़ोन जो है उसको ब्लूटूथ मोड से निकालना पड़ेगा क्योंकि बैटरी लो हो जाएगी। मेरी बाइक तो कनेक्ट है अभी, पर बैटरी लो होने का टेंशन रहेगा, इसलिए फ़ोन डिसकनेक्ट ही कर देंगे ब्लूटूथ से। सो अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा ले लिया है जो मैंने पीछे बांध भी दिया है। अभी निकलेंगे जालना नहीं तो डायरेक्ट औरंगाबाद। साइड स्टैंड, अभी गोप्रो में ज़्यादा चार्जिंग तो है नहीं, सिर्फ 40% ही थी। मैं देखूँगा जालना तक इससे कैसे भी यूज़ कर लूँगा, वहाँ तक एडजस्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं वहाँ पे फिर से चार्ज को लगाऊँगा मैं। तो अभी यहाँ से हमने अभी तो 100 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ से जालना होगा मे बी 110 कुछ होगा, और यहाँ से औरंगाबाद 200 किलोमीटर है, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट औरंगाबाद पे ही रुक जाऊँ। अगर औरंगाबाद पे रुक गया ना मैं, मतलब नॉन स्टॉप अगर औरंगाबाद तक चला लिया मैं, तो मेरा ही टाइम मतलब बच जाएगा और मैं पुणे जल्दी पहुँच जाऊँगा। गाइस अपन पहुँच गए हैं औरंगाबाद और अभी बज रहे हैं 1:37 हो गए और औरंगाबाद जस्ट पहुँचे। मैं थोड़ा स्लो हो गए शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लंच करने रुकूँगा तो मुझे कम से कम हाफ आवर तो लगेगा ही, मे बी फिर 3:30 बज जाएंगे मुझे यहाँ से निकलने में। 3 बजे यहाँ से निकलूँगा तो पुणे यहाँ से होगा 250 किलोमीटर, तो पुणे पहुँचने कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मे बी मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा पुणे। ये सिटी राइड करेंगे थोड़ा, वहाँ पे रुक के ज़रा जहाँ लंच करेंगे उसमें, वहाँ पे
मेरा GoPro भी चार्ज कर लेंगे, क्योंकि GoPro भी ख़त्म होने पे ही है, चार्जिंग उसकी पूरी लो है। मेरे हाथ की वाट लग गई है पूरी, ये राइट वाला हाथ बहुत दुख रहा है, पर क्योंकि एक्सेलरेट इससे ही करना पड़ता है ना, तो राइट वाले हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी मैं रुक जाऊँगा यहाँ कहाँ, तो लंच करूँगा, लंच वगैरह करने के बाद फिर यहाँ से आधा घंटा आराम करके निकलूँगा, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है ना, कंटिन्यू नहीं चला सकते हो। अभी हम पुणे के लिए निकल रहे हैं, अभी हम औरंगाबाद पर है, अभी जस्ट लंच किया है मैंने औरंगाबाद पे, उतना कुछ खास नहीं था। काफ़ी तीखा कर दिया था उसने, मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया, और वैसे भी मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से फिर ये ऐसा बकवास, इसलिए पूरा मूड ख़राब हो गया। अभी आ गए अपन नेशनल हाईवे 52 पर, अभी मुझे एक दो लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया यहाँ पे ही, एक तो वो जो होटल में मैं खाना खाया वो होटल वाले ने भी सब्सक्राइब किया मुझे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अगर देख रहे हो तो। और एक ऐसे ही रास्ते में कोई तो था, उसने मेरी बाइक पे यूज़र नेम देख के फॉलो किया मुझे इंस्टा पे भी और सब्सक्राइब भी किया। अभी यहाँ ही 4 बजने आ गए हैं, मुझे लग रहा है मुझे पुणे पहुँचने के लिए 9 तो बज ही जाएंगे, आज संडे है, पता नहीं ट्रैफिक कैसी होगी पुणे में, हमेशा तो बहुत ज़्यादा रहती है संडे के दिन, तो ये इवनिंग और मॉर्निंग में, दोपहर में उतना कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं अहमदनगर के आगे हूँ, औरंगाबाद के पास मैंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच किया था, लंच करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया था, वहाँ पे बैटरी लो हो गई थी, तो बैटरी लो होने की वजह से GoPro बंद हो गया था और वीडियो वहाँ पे ही रुक गया था। फिर उसके बाद अच्छा हुआ आप लोगों को दिखाया भी नहीं मैं कुछ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वाट लग गई हुई थी रोड की, काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन चालू था और बारिश की वजह से बहुत जगह चिकड़ हो गया था पूरा। और अभी यहाँ से पुणे 115 किलोमीटर बता रहा था, रोड तो स्ट्रेट ही था, अभी बज रहे हैं 7, अब तो मुझे यहाँ से कम 3 घंटे लगेंगे, 10 ही बज जाएंगे, आराम से 10 बज जाएंगे। विंगलेट्स अच्छे लगाया इसने, पर बाइक में दम नहीं है, ये बाइक थी मेरे पास इससे पहले ही, आप इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट चेक कर सकते हो। अभी हेलमेट का वाइजर भी तो नहीं लगा सकते यार, ना कि मैं हेलमेट का वाइजर लगा सकता हूँ और ना ही आप लोगों को साउंड अच्छे से सुनाई देंगे, दुख रहे हैं मेरे, मैं उतना दूर से चलाते आया हूँ, ग्लव्स मैंने पहले ही बताया था मेरे ग्लव्स ख़राब हो गए हैं, उस वजह से मेरे हाथ दुख रहे हैं फिर से। उन्नीस किलोमीटर है अभी यहाँ से, पहुंच गए हैं पुणे, पुणे पहुंचने के बाद भी नहीं पहुंचते अपन, पुणे में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए ऐसा लगता है जैसा किसी और गांव को जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को वॉइस आ रही है नहीं, पर क्या कर सकते, हेलमेट भी नहीं लगा सकता और मैं वॉइस हेलमेट लगाने के बाद ही क्लियर आएगी, नहीं तो विंड नॉइज आ नहीं है। यहाँ से 19 किलोमीटर मतलब बहुत दूर है, अभी काफ़ी थक गया हूँ मैं, और
ये अपन आ गए हैं अभी फिनिक्स के पास में ही, शायद थोड़ा ही आगे फिनिक्स होगा। और GoPro की बैटरी भी लो है, फ़ोन की बैटरी भी लो है, दोनों में से कोई एक तो चालू रहना चाहिए। अभी मुझे फ़ोन इम्पोर्टेंट है, GoPro का काम वैसे भी हो ही गया है, पुणे आ गया है व्लॉग यहाँ पे एंड, थोड़ी आगे ही एंड कर दूँगा। आ गए हम पुणे।